आज हम ब्रेड से बनने वाले डेजर्ट की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही सरल है और घर पे रखे कुछ ही सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इन्हें बनाने का सबसे आसान तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सीमास क्रिएटिविटी में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज कुछ नया बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है। भगोने में आधी कटोरी मैंने चीनी डाला है और इसमें आधी कटोरी से दो कटोरी में आधी आधी कटोरी करके पानी डाल दिया। मतलब मैंने आधी कटोरी चीनी डाला है तो इसमें एक कटोरी मैंने पानी डाला है और अब इसको मैंने गैस पर रख दिया है और चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो इस तरह से मीडियम आँच पर चीनी को मेल्ट होने देंगे और ये 2 से 3 मिनट पर देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है हमारी। अब बिल्कुल भी मतलब चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। यदि आपके पास केसर के धागे हैं तो केसर के धागे इस पर डाल दीजिए जिससे चीनी का कलर चेंज हो जाता है। और चीनी मेल्ट होने के बाद हमें 2 से 3 मिनट इसको और पकाना है। चीनी हमें चिपचिपी चाहिए। अब मैंने इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के, और इसमें फ्लेवर के लिए आप लोग गुलाब जल केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो, पर मैंने इनमें से कोई भी नहीं डाला। आपको फ्लेवर के लिए डाल सकते। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने आधे गिलास दूध डाला है और इसमें एक कटोरी में मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। तो देखिए एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब इसमें 2 चम्मच मैं चीनी ऐड करूंगी। तो 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ मैं। तो मैंने 2 चम्मच पूरी इसमें यहाँ पर चीनी डाल दी, आप लोग देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए। अभी मैंने गैस पर कढ़ाई को नहीं रखा है, नीचे सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यदि आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध को आधा लीटर दूध को गाढ़ा करके मतलब खोया उसका बनाकर फिर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर 1 से 2 चम्मच वो बनाकर तैयार कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पे दूध से नहीं बनाया, मिल्क पाउडर से बनाया है और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने सारे दूध को इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस पर रख दिया है और उसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। चलाना हमें बिल्कुल भी नहीं बंद करना है, गैस को हमें मीडियम रखना है। तो देखिए हम चला रहे हैं और हम यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड किया है, ये देसी घी है। तो 1 चम्मच हमने देसी घी भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर घी के साथ भी हम चलाते रहेंगे और इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं बंद करना है और इसे हमें एकदम से गाढ़ा बना लेना है रबड़ी की फॉर्म में। तो देखिए इस तरह से अभी हम चला ही रहे हैं, चलाना बिल्कुल भी नहीं बंद किए हैं और ये हमारा देखो गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हमें और भी गाढ़ा करना है इसे। तो देखिए अब हमारा इस तरह से गाढ़ा हो चुका है, ये मतलब जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हमने ब्रेड लिया है तो 3 से 4 हम ब्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेड को काट कर दिखा देती हूँ। इसके किनारों को पहले हमें कट कर लेना है। तो इस प्रकार के इसे चाकू की सहायता से हम इसके चारों किनारों को कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट हो जाता है क्योंकि इस रेसिपी में हमें इस किनारों की ज़रूरत नहीं है। इस ब्रेड के किनारों को हम रख कर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हम इसी तरह से चारों मतलब ब्रेड के किनारों को चारों तरफ से काट लेते हैं और 3 से 4 ब्रेड हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से काट लिया है और ये इस तरफ से और काट लेते हैं और इसी तरह से हम सारे काट कर तैयार कर लेंगे। ये हमारा कट चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो हमने 4 ब्रेड कट करके तैयार कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई पे ब्रेड को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से गैस को मीडियम रखा हुआ है और हमें गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। आप तवे पे भी घी डाल के सेक सकते हो, उससे ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। पर मैंने इसे कढ़ाई पर सेका है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से हम इसमें कलर आने तक सेकेंगे और इसको पलट देंगे और हम दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। तो देखिए ये हमने सेक लिया है अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा दबा दबा के और सेक देते हैं। अब हमारा एकदम ये रेडी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा
तेल होगा तो वो हमारा निकल जाएगा। और इसी तरह से हम सारे ब्रेड को सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने, तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे ब्रेड को हम पहले चाशनी में डिप करेंगे। तो उससे पहले आप चाहो तो इन्हें कट कर सकते हो, बहुत काटना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर दिया है, और कट करने के बाद इस तरह से हम चाशनी में डिप कर देंगे। आप इसे हमें 20 सेकंड के लिए डिप करना है, उसके बाद तुरंत ही निकाल लेना है। और इसी तरह से सारे ब्रेड में चाशनी में डिप करके निकाल लूँगी, बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। तो इस तरह से सारे मैं निकाल कर तैयार कर लूँगी, बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स ये रेसिपी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने चाशनी में सारा डिप करके निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें रबड़ी लगाना है, बहुत ही आसानी से रबड़ी लग जाएगी। और रबड़ी को आप चाहे तो थोड़ा पतला भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने इस पर चाशनी में रबड़ी लगा रही हूँ, और झटपट लग कर तैयार हो जाती है, और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो जाती है मिनटों में। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमने साड़ी में रबड़ी लगा कर तैयार कर लिया है, और इस प्रकार से रख दिया है बहुत ही आसानी से। अब हम पिस्ता लेंगे, तो पिस्ता को हमने कट कर दिया है, और इस तरह से पिस्ता इसके ऊपर से रख देंगे ताकि यह और भी सुंदर लगे। और फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट बनाइए और खिलाइए। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।